सब्जेक्ट वाइज रोस्टर को लागू किया गया था। हम उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य विश्वविद्यालयों में महाविद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी, तब हमारे लोगों में इतनी जागृति नहीं थी। लेकिन आज आप यहाँ पर 85,000 की तादाद में केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों से, राज्य विश्वविद्यालयों से, डिग्री कॉलेज से आप आए हैं, हमारे स्टूडेंट्स आए हैं, खासकर बड़ी मात्रा में हमारे फीमेल टीचर्स और स्टूडेंट्स आए हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि 1% लोगों के पास इस देश की 73% संपत्ति है, 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है, नीचे की 50% आबादी के पास केवल 4.1% संपत्ति है। हम लोग रोजी रोटी कमाकर पढ़ लिख करके हम लोग अपने इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पहुंचे थे। लेकिन आज ये मानिए, जिस प्रकार से पुष्यमित्र सिंह ने एक काउंटर रिवॉल्यूशन किया था हमारे विचारधारा के विरुद्ध, आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जस्टिस है वो पुष्यमित्र सिंह के चेले हैं। उन्होंने अपनी कलम को तलवार की तरह बनाया है और पहले ब्रदर मौर्य की गर्दन दी, आज डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान उनके निशाने पर है। आज ये मनुवादी लोग सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे अधिकारों को, हमारे संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। हमको ये जन आंदोलन बनाना होगा और हम आपको वादा करते हैं, आपको लाख से लेकर के कितनी लाख तक आपको आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़े, आपको कितनी हजार जनमानस की जरूरत पड़े, हमको जब तक इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, 2 अप्रैल से ज्यादा बड़ी तादाद में हम लोग गली गली सड़कों में गांवों में मोहल्लों में जब तक नहीं निकलेंगे, तब तक ये मोदी सरकार हमारे संविधान को ऐसे ही कुचलती रहेगी। साथियों, चूंकि समय का अभाव है, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि साथियों, ये 13 पॉइंट रोस्टर या 200 पॉइंट रोस्टर, ये टेक्निकल बात में मत करिए, ये केवल यूनिवर्सिटीज का, डिग्री कॉलेजेस का, हायर एजुकेशन का दलित पिछड़ों और आदिवासियों के लिए दरवाजा बंद किया गया है। जब तक आप इस दरवाजे को लात मार के नहीं खोलेंगे, ये नहीं खुलेगा। और साथियों, संसद में हमारे जो प्रतिनिधि है, आपको जवाबदेही निश्चित करनी पड़ेगी। और भी वक्ता है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आगे कोई कॉल होता है, हमें पूरा देश बंद करना पड़ेगा, अपने जो सामाजिक न्याय की पार्टी इस आवाज को उठा रही है उनका समर्थन करना पड़ेगा, अपने स्टूडेंट्स को साथ लेना पड़ेगा, अपने सारे साथियों को साथ लेना पड़ेगा, तभी हमारी ये जीत होगी। लेकिन जीत निश्चित होगी। जय भीम।